दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। एक नई पिटीशन के बारे में जानकारी मिली, ढेर सारे सवाल आते हैं, सोचा एक वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे जो पिटीशन लगी है वो नए नोटिफिकेशन के ऊपर लगी है कि नए नोटिफिकेशन में EWS कोटा नहीं दिया गया, उस पिटीशन का पुराने नोटिफिकेशन का जिसकी प्री और मेंस हो चुकी है और मेंस का रिजल्ट अवेटेड है उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। अनलेस एंड अंटिल उसके ऊपर अलग से कोई पिटीशन लगती है उसके EWS कोटा को चैलेंज करते हुए, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है EWS कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट भी पारित कर चुकी थी, स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूव कर चुकी थी और उसके बाद एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, तो अगर उस तर्ज से देखा जाए तो पिटीशन उसके ऊपर भी लग सकती है। अब सवाल ये कि क्या सर पुरानी एग्जाम पे फर्क पड़ेगा? देखो, अगर पिटीशन लगती है तो फर्क पड़ सकता है, पर मान लो पिटीशन लगती भी है तो फर्क पड़ने की जो संभावना है वो 0.1% है केवल। सर अगर ये वाली अलाउ हो जाए तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ेगा। द रीजन इज फंडामेंटल राइट और रिट पिटीशन के मामले में ये कहा जाता है अक्सर कि लैचेस लगता है, मतलब आपको ड्यूरिंग द समय सीमा में आपको आना पड़ता है वरना वो एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। जैसे इस मामले में क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आया था तब आपको क्या करना था, चैलेंज करना था। प्री हो गई, आपने चैलेंज नहीं करा, मेंस हो गई, आपने चैलेंज नहीं करा, अब मेंस के रिजल्ट के समय उसको चैलेंज करके आप का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है। मतलब आपने क्या करा, आपने उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है ना, वो नोटिफिकेशन पूरा पब्लिक था, ओपन टू वर्ल्ड था, जिसको तकलीफ थी अगले 2-3 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, आप प्री के पहले कभी भी उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकता था, EWS कोटे को चैलेंज कर सकता था, पर नहीं किया। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस आधार के ऊपर अगर मान लो पिटीशन लगती भी है तो उस पिटीशन को उड़ाने का सबसे अच्छा आधार है कि आप टाइम पे नहीं हो, आप टाइम के बाद हो, है ना। बहुत सारे मामलों में ये चीज की जाती है, तो क्योंकि उसका प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, है ना, पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए वो पिटीशन खारिज हो सकती है। तो 0.01 संभावना है कि ना तो इस पिटीशन में, और मान लो लग भी जाती है तो पुराना नोटिफिकेशन को चैलेंज होके, है ना, कुछ होने वाला नहीं है, चांसेस बहुत कम है, है ना, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं 0.01 बोल रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी, उसका रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और बच्चों की पोस्टिंग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए नोटिफिकेशन में दिक्कत ये है कि नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, पिटीशन लगी है, पिटीशन एक्सेप्टेड है, है ना, नोटिस हुए हैं, अब जिन जिन को नोटिस गए वो उनकी रिप्लाई करेंगे। अब इसमें संभावित क्या चीज़ें हो सकती है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट चूंकि अपने हाईकोर्ट रूल्स के हिसाब से काम करता है, तो उनके हाईकोर्ट रूल्स में चूंकि EWS अगर नहीं है तो वो यही बोलेंगे कि चूंकि हमारे रूल्स में नहीं है तो हमने नहीं दिया, है ना। तो बेसिकली चैलेंज ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, चैलेंज उनका वो रूल्स हुआ है जिसके अंदर EWS का कोटा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ये भी करती है कि हाईकोर्ट के जो रूल्स है उस पर पेरिटी ना, मतलब स्टेट के जो रूल्स है उस पर पेरिटी ना मांगी जाए हाईकोर्ट रूल्स से, मतलब ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब चूंकि मामला नया है और पेचीदा है तो कितनी पेरिटी यहां पर दी जाएगी स्टेट रूल्स पर और हाईकोर्ट रूल्स पर, यह बात देखने वाली होगी। और क्यों EWS कोटा मध्य प्रदेश में होना चाहिए, इसका रीजन ये है क्योंकि मध्य प्रदेश की बाकी भर्तियों में अगर EWS कोटा है, अगर MPPSC की नौकरियों में है, अगर ADPO की नौकरी में है, मतलब MPPSC या अदर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में अगर EWS कोटा है तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के उसमें भी होना चाहिए। बस फर्क इतना है कि MPPSC का अपना स्टेट रूल्स है और हाईकोर्ट का अपना रूल्स है, तो वो उसके हिसाब से काम करती है। पर आप यहाँ पर पेरिटी मांग सकते हैं। पेरिटी कैसे मांग सकते हैं कि सर एक भाई जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, जो MPPSC दे रहा है उसको कोटा मिल रहा है, उसका भाई जो जुडिशरी क्लियर करना चाहता है उसको ये कोटा नहीं मिल रहा है, तो ये पेरिटी है। अब इसमें डिफरेंस हो सकता है, पर अगेन जब राजस्थान हाईकोर्ट EWS कोटा दे सकती है, वहां पर भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आई रिमेंबर हाईकोर्ट ही है, तो जब राजस्थान जुडिशरी का वही हाईकोर्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आप ही के स्तर का अगर दे सकता है तो आपको भी देना चाहिए। ये एक पक्ष का तर्क होगा और उनका तर्क होगा कि चूंकि हमारे सर्विस बुक में नहीं है और जो जो वो देना चाहे, इसके ऊपर मूलभूत चर्चा होगी। अब देखना होगा जो भी निर्णय होगा अंतिम होगा और एक्सेप्टेड होगा, है ना, ऑनरेबल बेंच डिसाइड करेगी। अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद चूंकि जो डेट फिलहाल टेंटेटिव डेट उस पिटीशन में नजर आ रही है वो 21-3 है, मतलब 21 मार्च, मतलब फरवरी चल रहा है, मतलब 1 महीने से ऊपर, 1.5 महीना, और चूंकि ना तो नोटिफिकेशन पे स्टे है तो एग्जाम की डेट भी आ सकती है और एग्जाम भी हो सकती है। पर होगा ये कि जैसी एग्जाम की डेट रिलीज होगी जिन लोगों ने पिटीशन लगी है वो क्या करेंगे, वो इस पे स्टे लेकर आने का प्रयास करेंगे।
स्टे अगर मिल जाता है तो एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाएगी और आगे बढ़ती रहेगी, स्टे नहीं मिलता तो आपकी एग्जाम हो जाएगी, पिटीशन पैरेलल चलती रहेगी। मेरा मानना है कि पिटीशन खत्म होने के बाद ही एग्जाम होगी। पिटीशन चूंकि एक संवैधानिक मुद्दा है हम कह सकते हैं, तो ये खत्म करने के बाद ही एग्जाम होगी, तभी वो एग्जाम सेफ होगी, वरना एग्जाम पे जो इफेक्ट होगा वो उसके रिजल्ट जो डिसीजन का जो रिजल्ट होगा उसका इफेक्ट बकायदा एग्जाम पर होगा। तो ये बातें यहां पर क्लियर है। तो ये जो एग्जाम है थोड़ी सी लेट हो सकती है क्योंकि जो डेट्स आ रही है ना, और दिक्कत एक और ये है कि ये रेगुलर शूट की मतलब रेगुलर में चल रहा है, मतलब क्या होता है अर्जेंट हियरिंग वाले मीटर में इसको नहीं डाला गया है ना, रेगुलर हियरिंग में इसको डाला गया है जनरल, तो ना ये थोड़ा सा टाइम लगता है काम होने में। जब तक इसमें अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन ना लगे, इसको जल्दी खत्म ना करा जाए, तो ये मान के चले कि मिनिमम 2-3-4 महीने तो आराम से इसमें लग सकते हैं, क्योंकि नोटिस होगा, रिप्लाई आएगा, जवाब जाएंगे, है ना, वगैरह वगैरह जो सामान्य चीजें होती है। कितनी भी जल्दी करे पर कम से कम 3-4 डेट्स तो इसमें लगेगी, और जो नेक्स्ट डेट है वो 21 मार्च है, तो इसमें अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगना चाहिए और इसको फटाफट निपटारा इसका होना चाहिए ताकि एग्जाम फटाफट हो, चीजें फटाफट हो, क्लियर हो, है ना। हालांकि स्टे नहीं है तो ये भी है कि एग्जाम पर फिलहाल कोई रुकावट नहीं है, पर ये कॉमन सेंस है कि जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है वो स्टे तो लेकर आएंगे ही जैसे ही डेट आ जाएगी, है ना। अभी उसने उन्होंने स्टे इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि एग्जाम की डेट तो है नहीं, तो स्टे लेने से मतलब नहीं है। हाँ, एग्जाम आ जाएगी तो स्टे लेना बनता भी है, तो अभी स्टे की एप्लीकेशन रिजेक्ट इस आधार पर भी हो सकती थी कि अभी डेट का आई अभी हो कर रहा है ना, अभी तो नोटिफिकेशन है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने स्टे एप्लीकेशन नहीं लगाया होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो जो पुराने जो विद्यार्थी है ना, मेरे पास ज्यादा मैसेज पुराने विद्यार्थियों का है कि सर वो बता दो पुराना एग्जाम तो कुछ नहीं होगा, है ना, ना उस पर पिटीशन है, और लगती भी है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इतनी आसानी से उन पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, वरना ऐसे बहुत सारे राइट्स है जो फंडामेंटल है उनका अगर आप 3-4 साल 5 साल बाद जाओगे तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है। आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, लिमिटेशन लॉ इसीलिए बनाया है, पर चूंकि लिमिटेशन लॉ डब्ल्यूपीए पे अप्लाई नहीं होता है, वहां पर अप्लाई होता है लेचेस। लेचेस का मतलब ये होता है कि एक सामान्य कॉमन सेंस लगाएगी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, कितने समय में इस व्यक्ति को आ जाना चाहिए था या इसके डिले होने का क्या कारण है। अगर आपके डिले होने का आपका देखो 1-2-3-4 महीने में नोटिफिकेशन पे चैलेंज आप कर सकते थे, पर करीब साल भर बाद या उसकी दो बड़ी स्टेप के बाद, प्री के बाद और मेंस के बाद आप ये चीज नहीं कर सकते, तो लेचेस अगर अप्लाई होता है तो जो आपका अधिकार होता है वो उसको क्वेश कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो पुराना जो नोटिफिकेशन है वो सेफ रहेगा, बकायदा रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होंगे, आपकी पोस्टिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, जज बनेंगे, बधाई या शुभकामनाएं, तैयारियां करते रहिए। अब एक और क्वेश्चन आपका होगा कि सर ये बता दो कि रिजल्ट कब आ रहा है, ये तो नहीं पता है ना, ये इसका जवाब अगर होता तो निश्चित रूप से आपको दे चुका होता, शीघ्र अतिशीघ्र आने की लगातार संभावना है, लगातार सूचनाएं प्राप्त होती है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है, जैसी सारी चीजें खत्म हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, उनका रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।